Let's start revision of lesson 9 land. इस लेसन में आपको डिफरेंट टाइप की लैंड के बारे में और लैंड में जो भी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स है उसके बारे में देखना है. तो यहाँ पे क्या है, देयर वॉज अ स्मॉल विलेज अ पॉटर नेम मगन भाई स्टे हियर. तो मगन भाई नाम के पॉटर यहाँ पे रहते थे. एवरीडे ही ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स बाउल एटसेट्रा. तो वो क्या करते थे, लेक की ओर जाते थे और सॉइल लाते थे, उसमें से पॉट्स बाउल बनाते थे. वन डे ही प्रिपेयर अ स्मॉल पॉट, एक दिन उन्होंने एक छोटा सा पॉट बनाया. ही पेंटेड इट कलरफुल, द पॉट लुक वेरी ब्यूटिफुल नाउ. पॉट बहुत ही अच्छा दिखता था उसको पेंट करने के बाद. ही केप्ट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल, तो उन्होंने उसको सेल के लिए रखा. द नेक्स्ट डे रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप, तो रमेश भाई इस शॉप से गुजर रहे थे. ही सॉ द पॉट एंड इमीडिएटली परचेज इट, उन्होंने उसको देखा और खरीद लिया. हिज डॉटर बिंदिया बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पॉट इन रमेश भाई हैंड, तो रमेश भाई के हाथ में ये कलरिन जो पॉट था वो देख के बिंदिया बहुत ही खुश हुई. शी सेड पापा आई विल फील वाटर इन दिस स्मॉल पॉट, तो उसने कहा मैं ये स्मॉल पॉट में वाटर फिलअप करूँगी. ओके से रमेश भाई ने कहा ओके. नाउ एवरी डे बिंदिया फील्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट. वन डे द पॉट स्लिप फ्रॉम हर हैंड, इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इनटू पीसेस, तो एक दिन वो जो पॉट था उसके हाथ से स्लिप हो गया, गिर गया और टुकड़े हो गए. हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्टेड द पीसेस एंड केप्ट देम बिहाइंड द हाउस, तो वो बहुत ही दुखी हो गई कौन बिंदिया, और उसने वो जो टुकड़े घर के सामने रखे द ग्रैंडफादर अस. नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड हैपन टू दिस पीसेस, तो ये पीसेस का क्या होगा. सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज देम फॉर प्लेइंग गेम्स, रिप्लाइड झील, तो झील ने कहा कि हम गेम्स खेले में उसका यूज करेंगे. यू आर करेक्ट, दिस पीसेस आर मिक्स अगेन विद द सॉइल, तो ये जो पीस है वो सॉइल के साथ अगेन मिक्सअप हो जाएंगे. हियरिंग दिस कन्फ्यूज झील आस्क वॉट अदर थिंग्स मिक्स इन द सॉइल, तो उसके बाद झील कन्फ्यूज हुआ और उसने कहा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिक्स होती जाती है. नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 72 पे क्या है, एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी फर्स्ट, वॉट डू वी नीड, स्पेड चाहिए, कुदाली, सीव ऑफ सीइंग, तो क्या चाहिए, जो हमारी मम्मी है ना गेहूँ होता है राइस होता है उसको छानने के लिए जो छन्नी का यूज़ करते हैं ऐसा है ना वो. वीट, सीव फॉर सीइंग वीट फ्लोर, वीट फ्लोर को सीव करने के लिए चाहिए. फिर वीट को सीव करने वाला सीव चाहिए. एंड थीन कॉटन क्लोथ्स, पतला सा कॉटन का क्लोथ्स. और लंप ऑफ सॉइल, तो सॉइल का जो लंप होता है वो चाहिए होता है. व्हाट टू डू, टेक वन लंप ऑफ सॉइल टर्न इट इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको टर्न कर देना है. सीव इट थ्रू द वीट सींग, तो वीट सींग वाला स्टूडेंट्स जो सीव आता है ना वो कैसा होता है, उसमें बड़ी बड़ी जालियाँ होती है तो उसमें से जो कंकड़ आदि होते हैं वो निकल के चले जाते हैं. और जो वीट फ्लोर वाला सीव आता है उसमें क्या होता है कि जो मोटा मोटा जो गेहूं जो बिना दले रह जाता है वो ऊपर रह जाता है और जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है वीट फ्लोर का वो नीचे आ जाता है. What is left in the sieve? तो उसमें क्या बाकी बचा, ऑब्जर्व करना है. एंड कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली, और उसके बाद जो कंपोनेंट है वो आपको सीव में रह जाएंगे. What is left in the sieve? The small stones are left in the sieve. What is sieve out of sieve? उसमें लिखना है other component of sieve. Sorry, other component of soil got sieve out. तो ये स्टूडेंट्स हो गए हमारी जो एक्टिविटी है वो. अब हमें क्या करना है कि इस लेसन में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम देखेंगे. पहले देखते हैं पेज नंबर 73 पे कुछ क्वेश्चन आंसर है. विच कंपोनेंट आर ऑब्टेन आफ्टर सीविंग द सॉइल विथ डिफरेंट सीव साइज, तो बाय सीविंग सॉइल विथ डिफरेंट सीव साइजेस वी ऑब्टेन स्टोन्स,
sand, silt and dust present in it. Can there be any other components present in the soil? Yes, other components can be there. The other components may be water in the form of moisture, metals, minerals, organic fertilizer, etc. How do the amounts of different components affect the types of soil? तो different types के जो component है तो different types की soil को कैसे affect करते हैं? जैसे कि amounts of different components change the types of soil. तो उसमें जो different type के components रहते हैं तो वो क्या करते हैं? उससे जो कौन सी type की soil है वो पता चलता है. एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसके बंधारण में कौन कौन से कंपोनेंट है उसका पता चलता है. इफ द अमाउंट ऑफ सैंड इज स्मॉल, अगर उसमें सैंड की अमाउंट ज़्यादा होती है कि इसमें सॉइल के कॉन्स्टिट्यूशन में, वी से द सॉइल इज सैंडी, हम कह सकते हैं कि सॉइल कैसी है, सैंडी. इफ द अमाउंट ऑफ क्ले इज स्मॉल, अगर जो सॉइल का लंप है तो उसमें अगर हमें क्ले की अमाउंट ज़्यादा लगती है तो वी कॉल इट क्ले सॉइल, तो हम उसको क्ले सॉइल कहेंगे. इफ द अमाउंट ऑफ सिल्ट इज स्मॉल, वी कॉल इट अल्यूवल सॉइल, तो अगर उसमें सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो हम उसे अल्यूवल सॉइल कहेंगे. तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्या बताता है कि जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स है उससे डिफरेंट टाइप्स की सॉइल के बारे में पता चलता है.